सूरज को ग्रहण लग गया। लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नजारा। सखर में रिंग ऑफ फायर का मंजर। पाकिस्तान में दौरानिया तकरीबन 3.5 घंटे होगा। दुबई, भारत, यूरोप और दीगर ममालिक में भी सूरज ग्रहण। सेकेंड अगर उनको देख ले तो उससे आपके आंख के उन सेंसिटिव हिस्सों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है जहां से कि आप देखते हैं बाकायदा। ऐसा नहीं होता कि इंसान बिल्कुल नाबीना हो जाए, लेकिन पढ़ने लिखने की सलाहियत, चीज़ों को देखने की सलाहियत, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। हमारे जो पर्दा है उसके जिसको मैक्रुला कहते हैं, जिससे हमारी 80% से ज़्यादा नज़र जो देखने की है, जिसमें हम देखते भी हैं, रंग भी महसूस करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, वो मुतासर हो जाती है। और जब वो मुतासर होती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी बिनाई तकरीबन बहुत कम हो गई। सूरज को बराह रास्त देखने से गुरेज किया जाए। अल्ट्रा वायलेट शुआएं आंखों और जिल्द के लिए अच्छी नहीं। ग्रहण के दौरान घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकला जाए, माहरीन फल्कियात ने खबरदार कर दिया। लाहौर और सखर में नमाज कसूफ की भी अदायगी। इस साल 2 सूरज और 4 चांद ग्रहण। दूसरा सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। अब साइंस ने ग्रहण की हकीकत आयां कर दी तो अहम परस्ती की कहानियां आखिरी सांसें ले रही हैं। फवाद चौधरी। कोरोना का जोर, मजीद 119 अफराद जान से गए। तादाद 3501 हो गई। मुल्क भर में 1,76,617 शहरी मुतासिर। सिंध 67,353, पंजाब में 65,739 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा 21,444, बलूचिस्तान में 9,328 केसेस। कोरोना का फैलाव रोकने का मिशन। लाहौर, कराची, पिशावर समेत कई शहरों में सिलेक्टिव लॉकडाउन। वायरस से मुतासरा इलाकों में नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी। इस्लामाबाद के मुतासरा सेक्टर्स की बंदिश में तौसी। पंजाब भर में आवामी मकामात पर मुंह ढांपने की पाबंदी। बगैर मास्क ग्राहकों को किसी किस्म की सर्विस फराहम ना की जाए। जिले इंतजामी और पुलिस SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराए। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना से बचाव के लिए ईद उल अजहा पर सख्त हिकमत अमली लाजिम। मवेशी मंडियां वबा में खतरनाक इजाफे का सबब बन सकती हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद होकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। सऊदी अरब और UAE में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। PIA का अगले हफ्ते से बड़े फजाई ऑपरेशन का ऐलान। 25,000 अफराद को वापस लाया जाएगा। पाकिस्तान से परवाजें खाली जाएंगी। तर्जुमान। गर्मी बढ़ते ही बिजली की आंख मचोली। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। लोड बढ़ने से ट्रिपिंग और तारों का जलना भी मामूल। कराची, कोयटा और पिशावर वाले भी परेशान। कौन अजाब से छुटकारा दिलाएगा? शहरियों की दुहाई। 13-14 घंटे लोड स्विचिंग होती है, बिजली नहीं होती है। अभी भी बिजली नहीं है। बच्चे मरते हैं गर्मी से, बिल भी दाखिल करता है, तो हम लोग क्या करें? पहले बिजली होती नहीं है, अगर हो तो फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा काम है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, बहुत तकलीफ है हमें। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से हमें बहुत तकलीफ है। यहाँ पे लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा, जिसे हम कंट्रोल, ये लोग तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर मरीज़ हैं, बच्चे हैं, सब। मुमताज़ आलमद्दीन मुफ्ती नईम का कराची में इंतकाल। नमाज जनाजा आज असर के बाद अदा की जाएगी। मोहतरम जामिया बनूरिया दिल और सांस के आर्जे में मुब्तला थे। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात का इजहार ताज़ियत। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की 67वीं सालगिरह। मुल्क भर में SOPs के तहत तकारीब का अहतमाम। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद तवील सियासी जद्दोजहद आज भी मशल राह। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा के अलावा तमाम शहरों में आज से कर्फ्यू खत्म। बैन अल-अक़वामी परवाजों, हज्जाम और सैलॉन्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी।
SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी। आगे बढ़े हैं, साल के पहले सूरज ग्रहण की बात कर लेते हैं। सूरज को ग्रहण लग चुका है पाकिस्तान में, जिसका दौरानिया तकरीबन 3.5 घंटे होगा। कराची में ग्रहण सुबह 9:26 पर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है और 12:40 तक ये रहेगा। लाहौर में भी ग्रहण दोपहर 1:10 तक देखा जा सकेगा। बात की जाए इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में दोपहर 1:06 तक सूरज ग्रहण रहेगा। जी हाँ, कहीं जुजवी सूरज ग्रहण है और कहीं मुकम्मल सूरज ग्रहण है। आज पाकिस्तान में सिर्फ कुछ मकामात हैं जहाँ पर रिंग फायर देखा जा सकेगा, जबकि कई मकामात ऐसे हैं जहां पर सिर्फ जुजवी सूरज ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे मकामात भी हैं जहां पर चांद के पीछे छुपा सूरज खुद भी चांद जैसा दिखने लगा है। तो आज चांद सूरज को अपने दामन में समेटने की कोशिश कर रहा है। रिंग ऑफ फायर का नजारा पाकिस्तान भर में तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन चंद एक मकामात हैं जहां पर यह नजारा देखा जा सकेगा। इस वक्त आप सखर के मनासिर देख रहे हैं जहां पर रिंग ऑफ फायर आप देख रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में सिर्फ सखर ही एक ऐसा मकाम है जहां पर 100% चांद ग्रहण लग चुका है और यहां पर रिंग ऑफ फायर का नजारा भी आप देख रहे हैं। गो के ये नजारा कुछ सेकंड्स का होगा। माहिरीन फलकियात की जानिब से बताया गया है कि कहीं ये नजारा 33 सेकंड का होगा, कहीं इससे भी कम दौरानिया होगा। तो कैमरे की आंख महफूज कर रही है इस नजारे को, जो कि इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। सखर के अलावा गिलगित का मकाम है जहां पर कुछ सेकंड के लिए रिंग ऑफ फायर देखा जा सकेगा। इसके अलावा दीगर मकामात हैं लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, यहां पर मुकम्मल चांद ग्रहण नहीं है, रिंग ऑफ फायर का नजारा मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो वाहिद एक मकाम है सखर का जहां पर हमें इस वक्त रिंग ऑफ फायर दिखाई दे रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा इस्मा शौकत, उससे जान लेते हैं। इस्मा, ये बताएगा यहां पर चांद ने सूरज को कितना छुपा लिया है, कैसा नजारा है? जी बिल्कुल, रवान साल का सूरज ग्रहण, पहला सूरज ग्रहण पाकिस्तान से देखा जा रहा है और जिसका इस्लामाबाद में 9:50 पे सूरज ग्रहण का आगाज हुआ था और 11:25 पे जो था इसने पीक पे जाना था। ये जो सूरज ग्रहण है 1:03 तक जारी रहेगा। अगर बात कर ली इस्लामाबाद की, तो इस वक्त जो है सूरज तकरीबन जो है वो छुप चुका है और जिस तरह महकमे मौसम ने कहा था कि दिन के वक्त में शाम के मनाजर नजर आएंगे, तो एकदम से क्योंकि सुबह से करीब गर्मी थी, सूरज की तपिश थी, तो एकदम से मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है 11 बजे के बाद। वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से काले बादल आ गए हैं, बिल्कुल क्लाउडी वेदर हो चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि 70 से 80% जो है वो छुप चुका है और सूरज ग्रहण में मुकम्मल अपने पीक पे जा चुका है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि शहरियों को जितना एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाह किया जा रहा था, तो इस्लामाबाद में भी देखने में आ रहा है कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस सूरज ग्रहण को देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं। तो उनको जो है एहतियाती तदाबीर अपना के एक्सरे जो है उसको डबल एक्सरे के जरिए जो है इसको देखा जा रहा है, या फिर ब्लैक ग्लासेस लगाकर इसको देखा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप इस सूरज ग्रहण को देखें और घरों में रह के जो है मौलाना हजरत कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, एहतियाती तदाबीर के साथ इसको देखा जा सकता है। इस्मा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, सालिहा फिरोज खान ने भी हमें ज्वाइन किया है कराची से। सालिहा, आप बताएगा कराची की सूरत हाल क्या है, और एक प्रैक्टिस देखने में आ रही थी गुज़िश्ता कई सालों से कि साहिल समंदर पर रेत में दबा दिया जाता था इलाज के घर से लोगों को, तो वहाँ पे सूरत हाल आज कैसी है? अच्छा, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अकायद होते हैं, ये तो लोगों के अकायद की बात होती है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि सूरज पर ग्रहण लगा था, तो कुछ ऐसे लोग जो कि ये अकीदा रखते हैं कि रेत पर में दबाने से किसी भी मरीज को उनका मर्ज जो है वो ठीक हो सकता है। तो साहिल समंदर पर यकीनी तौर से कुछ ऐसे ही लोगों ने वहां का रुख किया ही होगा, और रेत में जो है वहां पर बच्चों को या फिर कोई ऐसा शख्स जो बीमार हो उसको दबा दिया जाता है इस यकीन के साथ कि आया सूरज ग्रहण के इस मौके पर अगर उस शख्स को रेत में दबाया जाएगा तो उसका मर्ज खत्म हो जाएगा या वो पहले से बेहतर हालत में आ जाएगा। अगर सूरज ग्रहण की बात की जाए तो शहर कैफ में जुजवी सूरज ग्रहण जो है वो देखा गया, जो कि 90% सूरज ग्रहण 11:00 लग गया था। 11:00 के बाद जो है वो 92% हो गया था जुजवी ग्रहण का। एक मामूली सा हाला हाफ जो है वो हमें हाला बना हुआ नजर आया, मुकम्मल अंगूठी नुमा हाला तो यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, लेकिन आधा हाला दिखाई दिया क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के शोबे रसद ग्राम मौजूद है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इक्विपमेंट्स के साथ आए हुए थे, उन्होंने मुशाहिदा किया टेलीस्कोप से। 3-3 सेकंड्स के वो मुनासबत से जो है वो तस्वीर निकालते गए। और इसके साथ ही इस वक्त जो सूरत हाल है सूरज की ग्रहण की, अब जो है वो 10% जो है वो ग्रहण रह गया है। अब ऐसा ऐसा चांद जो है जमीन और सूरज के दरमियान से हटना शुरू हो गया है, और कहा यह जा रहा है माहिरीन फलकियात की जानिब से
कि जो टाइम दिया था वो 12:40 का, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उससे पहले ही सूरज पर लगा हुआ ग्रहण अख्तिताम पजीर हो जाए। इस दौरान स्टूडेंट्स ने अपना मुशाहिदा किया, तजुर्बात किए और वो तजुर्बात जो है हमसे भी शेयर किए। साथ साथ माहिरीन फलकियात ने यहाँ पर अच्छा खासा इंतजाम किया था। अक्सर ऐसा होता है ये इंतजाम स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन कोरोना वायरस के पेश खतर स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया गया, लेकिन जो सीनियर्स थे उन्होंने अपना यहाँ पर आके तजर्बा किया। इस वक्त मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई, जब ये अपने पीक पर था, जब उरूज पर था, उस वक्त तो जो है वो क्लाउडी वेदर हो गया था, सुरमई मनाजिर हो गए थे, बादलों के रंग तब्दील हो गए थे, आसमान जो है वो मुकम्मल तौर से वो तब्दील हो गया था, लेकिन रात का समा नहीं हुआ था। मगरिब से पहले का जो समा होता है या फिर अक्सर ऐसा होता है शहर अकायद में, जब कराची में जुजवी अबर आलूद मौसम होता है या अबर आलूद मौसम होता है, तो ऐसे मनाजिर जो है देखने को मिले। मनाजिर नहायत ही खुशगवार, हैरत अंगेज थे, और वो जो रोशनी जमीन पर पड़ी थी, यकीन जानिए ये वाकई एक हैरत अंगेज नजारा था जो हमने देखा, कैमरे की आंख से आपको दिखाया। इससे आगे की अगर हम बात करें, माहिरीन फलकियात ये भी पेशगोई करते हैं कि साल का पहला सूरज ग्रहण और साल का तवील तरीन दिन था, और अगला सूरज ग्रहण जो है वो 2022 अक्टूबर में लगेगा, ये माहिरीन ने पेशगोई की है। लिहाजा ठीक है, सोलह हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। आपने बता दिया है कि अब अगला सूरज ग्रहण चांद ग्रहण कब लगेगा, ये बताएगा कि इसका दौरानिया और पाकिस्तान में इसका मुख्तलिफ मकाम पर रिंग ऑफ फायर का दिखना कैसा ये एक्सपीरियंस है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जाहिर है कि ये एक एवोल्यूशन है। जब हमने देखा पहले जब का इलम महदूद था तो हम परस्ती रूज पर थी, हमें हर चीज जो पसंद आती थी उसे खुशकिस्मती कहते थे, और जिस चीज से खौफ आता था उसे अजाब से जोड़ देते थे, और ये ग्रहण भी ऐसा ही अमल था। अब जब साइंस ने ग्रहण की कलई खोल दी है, अब हमें पता है कि जब चांद ये सूरज और जमीन अपने अपने मदार में जो है वो और चांद सूरज और जमीन के दरमियान में आता है तो उसे हम ग्रहण कहते हैं। तो अब ये जो इल्म है उसमें जो कायनात के कई राज इंसान ने मुस्तखर किए हैं और ग्रहण भी उनमें से ही है, तो ये तोहम परस्ती दम तोड़ रही है। और अब हमें एग्जैक्टली पता है कि ये इस चांद ग्रहण इस साल, जैसे अब हमें पता है कि 6 ग्रहण होने हैं, 4 जो है वो चांद ग्रहण होने हैं, 2 जो है वो सूरज ग्रहण होने हैं, जो अगला ग्रहण है वो 14 दिसंबर 2021 को होगा, जो चांद जो जाहिर है कि पाकिस्तान में विजिबल नहीं होगा लेकिन होगा। आज सखर में सबसे बेहतरीन नजारा है ग्रहण का, और बाकी जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ यही है कि आप सन ग्लासेस लगाएं, बराह रास्त ना देखें, क्योंकि इसमें ये यूवी रेज जो होती हैं होती है जिसकी वजह से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपने तोहम परस्तियों की बात की, तो आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कराची में अपने बच्चों को, माजूर बच्चों को साहिल में रेत पर दबाए बैठे हैं, और दूसरा ये भी बताएगा कि पाकिस्तान चूंकि टेक्नोलॉजी बड़ी यकीनी तौर पर बड़ी अहम है, तो पाकिस्तान किस हद तक आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी में? और जिस तरीके से हमें इसमें तरक्की करनी चाहिए कि हमने उस तरह से नहीं किया, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अब भी बहुत स्कोप है, और हमारे स्पेशली जो नौजवान है, जो लड़की लड़कियां, उनका बहुत इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, साइंस से, तो जाहिर है हमारी उम्मीद है कि आगे जब जाएंगे तो ये लोग पाकिस्तान को उस जगह पे लाएंगे जिसकी तवक्को पाकिस्तान को बनाने वालों को। फवाद साहब, ये बताएगा कि आपकी क़यादत में ऐसे कौन से प्लान्स मंसूबा बंदियां हैं फ्यूचर के लिए, कौन से मराहिल हम तय करेंगे साइंस की फील्ड में? देखिए, हमने तो साइंस में 3 साल 5 साल और 7 साल के प्रोजेक्ट अब हम लेके आ रहे हैं। 3 बड़े प्रायोरिटी एरियाज हैं इस वक्त मेरे, इनमें सबसे पहले जो है वो हमारा एरिया होगा प्रिसिजन एग्रीकल्चर का, दूसरा एरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तीसरा है केमिकल। इन 3 एरियाज को हमने 3 साल 5 साल और 7 साल के प्रोजेक्ट इसमें इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में मैं सबके साथ सामने रख रहा हूँ। उसमें हमारी उम्मीद ये है, इस साल भी देखिए हमने ये जो पीपीईज हैं यानी जो प्रोटेक्टिव गियर थे, 26 फरवरी को पहला केस आया था, हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे, हर चीज हम इम्पोर्ट कर रहे थे। आज हम स्केल एक्सपोर्टर हैं, $2 मिलियन का हम एक्सपोर्ट जो है वो इस वक्त कर रहे हैं, और हमें उम्मीद यह है कि इस साल के आखिर तक हम $500 मिलियन पे पहुंच जाएंगे।
और यही वजह है कि मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि देखिए हम रूटीन के आलू मटर गाजर बेच के अपने खसारे पूरे नहीं कर सकते हैं, हमें टेक्नोलॉजी को साइंस को अपनी प्रायोरिटी रखना है। और अगर हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी आमदनों को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमें ये पुराने फ्रेंकली सेठों के बजाय ये जो हमारे बच्चे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। और ये वो दुनिया को देखिए 20-21-22-23 साल के लड़के लड़कियों ने बताया ये सारे को डिग्री याफ्ता होना जरूरी नहीं है, विजन होना जरूरी है। और इसलिए हमें अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना है, तालीम पे इन्वेस्ट करना है, और यही लोग आपका फ्यूचर और हमारा फ्यूचर बनाए। फवाद साहब ये भी बताएगा कि इससे पहले चूंकि हम बात कर रहे हैं सूरज ग्रहण की और चांद ग्रहण की, आपने ये भी बताया कि चार चांद ग्रहण होंगे, इससे पहले आप ऐलान भी कर चुके हैं पाकिस्तान को जो स्पेस मिशन